दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कोटिया हिम कृषि ट्रेडर्स गगल। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डॉक्टर नर्स सहित तमाम स्टाफ किस तरह से काम कर रहे हैं और मरीज क्या कर रहे हैं, इसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल धर्मशाला के एमएस डॉक्टर राजेश गुलेरिया ने बताया कि सभी मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है जिससे वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौट सकें। उन्होंने बताया कि यहां रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है और लोग जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। लोगों को हर संभव सुविधा मिल सके इस बात को भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं मरीज और उनके परिजन। ये देखिए धर्मशाला के कोरोना वार्ड में एक वार्ड सिस्टर जो है तृप्ता देवी जी का कुछ क्षेम पूछते हुए, उनका हालचाल भी पूछते हुए और साथ में उनकी पूरी देखरेख करते हुए, तो ये जो यहाँ का धर्मशाला का स्टाफ है बड़े सही ढंग से अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। ये देखिए भीड़ से हमारे पेशेंट हैं यहाँ पर, मैं भी, मेरे पिताजी भी यहाँ वार्ड में एडमिट हैं, इसलिए मेरी लगभग सबसे पहचान हो गई है। ये भीड़ से मेरे साथी हैं, ये भी यहाँ की सुविधाओं से आपको अच्छा लग रहा है धर्मशाला? ये कह रहे हैं कि मुझे धर्मशाला में सुविधाएं जो है बहुत अच्छी लगी हैं। यहाँ राजेंद्र जी हैं, देखिए किस प्रकार से वार्ड सिस्टर जो है अपने कार्य को अंजाम दे रही है और समय समय पर सिलेंडर बॉय से लेकर वार्ड बॉय से लेकर जो और जो क्लीनिंग स्टाफ है, स्वीपर्स वगैरह है, अपने काम को सही ढंग से अंजाम देते रहते हैं। यहाँ बहन तृप्ता देवी जी हैं जो पिछले कल ही यहाँ आई थी और काफ़ी बढ़िया ढंग से कदिया लगा था तुम्हें तू वहाँ जो देख रेख ठीक हो अभी। ठीक है देशराज जी, तुम्हें कदिया लगा था तू आई थी? और देखिए देशराज जी जो पुराना कांगड़ा से हैं, ये भी तुम्हें ठीक लगा था इतू थोड़ी देख रेख पूरी हो अभी। तो जैसे कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में, तो मुझे लगता है सरकारी अस्पताल जो हैं वो बेहतर ढंग से वार्ड सिस्टर्स स्टाफ नर्सिस जो हैं अपने काम को यहाँ अंजाम देती हुई और जिस तत्परता से ये सभी कार्य करते हैं, तो ऐसे लगता है कि यहाँ की जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, खास करके धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल की, वो बढ़िया ढंग से अपने कार्य को अंजाम दे रही है। ये भारना से राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी कैसा फील कर रहे हैं? आपकी देख रेख ठीक होती है? खाना वाना कैसा मिलता है? ठीक ए ग्रेड, वेरी गुड। और यहाँ ओम प्रकाश जी हैं, ये अभी मेरे पिताजी हैं, प्रोनिंग कर रहे थे जैसे इनको स्टाफ नर्स ने सिखाई थी, साथ ही इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं। तो मैं अपने पिताजी से भी दो प्रश्न जरूर पूछूंगा। पिताजी आपको कैसा लग रहा है धर्मशाला में? कैसा लग रहा है पिताजी? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। आपके देख रेख सही हो रही है ना? बहुत बढ़िया हो रही है। अभी आपने ऑक्सीजन खोल दी है कि आप ठीक फील कर रहे हैं? तो देखिए रात के तकरीबन 9 बजने को है, लेकिन स्टाफ नर्स जो है मुस्तैदी से, ये भाई जो है ये अभी रिजोर्ट से यहाँ आए हैं, थोड़ी देर पहले इनकी हालत बहुत खराब थी, अब धीरे धीरे इनकी हालत जो है स्थिर होने लगी है और आशा है कि इनको हमारी जो ये स्टाफ नर्सिस हैं ये बेहतर ढंग से संभालेंगी। और सुबह भी यहाँ पे जब डॉक्टर्स का दौरा होता है तो पूरा रिकॉर्ड जो है वो बड़े सही ढंग से सभी चिकित्सक महोदय जो हैं यहाँ पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। यहाँ मेरे भाई महेंद्र सिंह जी हैं जो एजुकेशन बोर्ड में एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में है, मैं इसलिए पहचानता हूँ कि 2 दिन से मैं भी अपने पिताजी के अटेंडेंट के तौर पर यहाँ हूँ और मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव था, कल ही मेरा क्वारंटाइन पूरा हुआ है, तो मुझे इनके पास आने में भी कोई समस्या नहीं थी। महेंद्र जी कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ? थोड़ा सा खोलेंगे
पेशेंट का इलाज भी करते हुए और पेशाब जो बड़े रात का आड़ा हुआ था डॉक्टर साहब ने उसको निकाल कर पेशाब की, देखिए पेशाब की थैली भी स्वयं डॉक्टर साहब ने पकड़ी हुई है। डॉक्टर साहब आपका नाम? डॉक्टर अनंत शर्मा। मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनंत शर्मा, और ऐसे लगता नहीं है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, बिल्कुल अपने बड़े भाई समझकर पेशेंट्स का या अंकल समझकर या बहन समझकर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर अनंत शर्मा का। सचमुच ऐसे लोग जो हैं, ऐसे चिकित्सक जो हैं, वो हिमाचल प्रदेश मेडिकल सेवाओं की एक रीढ़ की हड्डी हैं। और आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब कितनी तन्मयता से पेशेंट का चेकअप करते हुए, पेशेंट जो है ये राम सिंह जी रजौट से, इनका पेशाब रुका हुआ था तो डॉक्टर साहब अभी राउंड पे आए, सभी जितने भी मरीज हैं उनके साथ इतने प्रेम से बातचीत करने के बाद अब इनके जो पेशाब रुका है उसके लिए जो भी संभव प्रयास हैं वो नाली वगैरह डालने के वो अब डॉक्टर साहब कर रहे हैं। वेरी ग्रेट। और इस तरफ भी देखिए गोपो का भी ध्यान रखते हुए ये बहुत बढ़िया ढंग से, तृप्ता जी के पास भी उनका चेकअप कराने के लिए एक बार फिर से पूरी टीम मौजूद है, और भाई देशराज जी भी बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। डॉक्टर साहब ने राम सिंह जी मदद कीजिए, डॉक्टर साहब आपका पूरा आपकी हर चीज का निदान होगा। और इस तरह से राम सिंह जी की जो चिंता थी, जो प्रॉब्लम थी, उसका निदान डॉक्टर साहब ने कर दिया। और अगर इस प्रकार के डॉक्टर कोविड में यहाँ सरकारी तौर पर तैनात हैं तो निश्चित तौर पर जो है सरकारी अस्पताल में मरीजों का जो है हौसला है वो बहुत बढ़ेगा। और इधर मेरे पिताजी भी पूरा फायदा उठाते हुए जो भी सुविधाएं यहाँ जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में मौजूद हैं उनकी। और इस तरह भी देख सकते हैं आप किस तरह से वार्ड बॉय जो हैं गहमा गहमी के साथ पेशेंट्स की हेल्प करके उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये खाली सिलेंडरों का ढेर लगा है और जिस भी पेशेंट को सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है वार्ड बॉय इधर उधर से फटाफट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वार्ड बॉय इधर देखिए पूरी मुस्तैदी से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट। कोटिया हिम कृषि ट्रेडर्स इच्छी गगल, हमारे यहाँ पर कृषि से संबंधित सभी प्रकार के यंत्र ई एग्रो केयर और होंडा कंपनी के उपलब्ध हैं, जिनमें ई एग्रो केयर के ब्रश कटर पर 1500 रुपए और पावर ट्रिलर पर 5000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सभी प्रकार के यंत्रों की रिपेयर कुशल कारीगरों द्वारा की जाती है और 40 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी दी जा रही है। सभी प्रकार के यंत्रों पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है जिसके लिए हम मान्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9805565394 9418385611।